तेनू धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावे। हेलो पीपल ऑफ यूट्यूब, इट्स मी नाउ उंगटे। तो गाइस, आप लोग टाइटल और थंबनेल को देख के पता चल गया होगा। तो आज का ये चीज़ जो वेल कट क्या चीज़ है, तो आप लोगों में कोई लोग मालूम नहीं होगा, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वेल कट जो एक्चुअली ऐसे होता है कि मतलब जज लोग का पावर होता है, जैसे कि मान लो जैसे कि ऑडियंस ना, वो लोग का ऑडियंस का पावर भी होता है, और ऑडियंस लोग जितना रिटोरिकल को प्यार देता है तो उसमें वापस आ सकते हैं। एक्चुअली आप लोग को मैं जस्ट तौर पर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, आप लोग स्क्रीन पर देख लेना, ठीक है। इंडियन आइडल का 2021 का सीज़न 12 में एक ये बंडा था, तो उसको भी रिसेंटली परफॉर्मेंस से आप लोग देख पढ़ सकते हैं, आप लोग इस वीडियो स्किप करके भी ना। तो ये जो मतलब ये भी रिसेंटली आउट हुआ है उसका, बट ये इसको फिर वर्ल्ड कट कट से इसको वापस एंट्री लाया, ठीक है। तो आप लोगों में इसलिए इसको क्यों आगे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक लोग जितना नोटिस इंटर नोटिस जितना इंटर और नचल करना जितना भी इनसाइड इंटर नोटिस लोग आदमी लोग और उसके बाद इंडियंस और जितना भी स्टेट का है ना, आप लोग जो रितौरबा का बॉयस का फैन है और रितौरबा का फैन है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करना। अगर आप जितना शेयर करेगा उसी के दौरान से मतलब वर्ल्ड कट का पावर वर्ल्ड कट का एंट्री का पावर को यूज़ करके तो रितौरबा जो इंडियन आइडल सीजन 13 में वापस जा सकते हैं। वो सब पब्लिक का फावर होता है, पब्लिक लोग जितना फेम इतना जितना दिखाएगा ना, उसी तरह में मतलब रितौरबाजी सीजन 13 में वापस आ सकते हैं। तो गैस में आप लोग को ये वीडियो बनाने का मतलब मोटा जो वही है कि मतलब रितौरबा को चाहिए, क्योंकि हम भी उसका बहुत वॉइस गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और अपना यहाँ का बंडा भी है और अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट को इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं वही इंडियन आइडल जज में जज लोग मैं वही बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग रितौरबाजी को प्लीज़ वापस लेके आइए, और उसको क्योंकि देखो एक उसे देना रितौरबा का वॉइस जो आप लोग को इतना मतलब जस ऐसे हो गया, कितना आदमी लोग उसका अभी वॉइस को ये होकर बैठ रहा है। हर अभी तो आप लोग पता ही होगा अभी रितौरबा का वॉइस को सिर्फ लड़का से अपने लड़की से अपने हर कोई बुरा बुरी लोग पूरा रितौरबा का आवाज़ को चाहिए, और तो ऐसे होता है कि मतलब आप लोग इंडियन आइडल का उसमें हर रितौरबा का वॉइस ना हुआ तो एक मज़ा नहीं हुआ। हम तो वही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है कि रितौरबा को इंडियन आइडल में वापस लेके आओ, तो आप लोग वेल कट ये को इस्तेमाल करके प्लीज़ रितौरबा को आप लोग मौका दो, और क्योंकि ऐसे क्वालिटी वाला बंदे हैं तो वो बंदे को आप लोग कैसे करके मतलब ऐसे रिसेंटली ये कर सकते हैं। जो गाइस थोड़ा पहले आप लोगों को मैं दिखा है ना, तो एक बंदा था वो सीजन 12 का, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, तो स्क्रीन पे फिर देख लेना, क्योंकि ये बंदा को भी ऐसे रिसेंटली आउट हुआ था, फिर इसको भी वापस लेके आया। तो इसमें जैसे हुआ है ना, ये बंडा को 11 साल 2021 में जैसे कि सीजन 12 में किया गया है, तो हम लोग भी पब्लिक जितना भी फैन है ना रितौरबा का फैन है, हम लोग भी वापस ला सकते हैं रितौरबा को। अगर आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेगा और जितना वीडियो को ज़्यादा से प्रमोट करते रहेगा, एक दूसरे को शेयर करते रहेगा, तो हम लोग को वॉइस पहुँचेगा, तो जरूर वेल कट एंट्री से रितौरबा इंडिया आइडल सीजन 13 में वापस आएगा। तो गाइस मतलब इसको हम इसलिए दिखाया है कि मतलब जैसे कि ये 11 साल जैसे कि अभी रितौरबा का ये फैन लोग जिसे हो रहे हैं ना, इसका फैन लोग ये लड़का का जो आपको आप लोगों को मैं बंडा दिखाया है ना, तो उसका फैन लोग भी मतलब उसको वापस मतलब ये कर रहे हैं, वॉइस को इतना अच्छा गाता था ना, उसको भी मतलब रिसेंटली एलिमेंट हुआ था, तो उसका बाद वापस लाया है वेलफेयर एंट्री कार्ड का वजह से। तो गाइस इसी तरह ये वीडियो का दौरान मैं भी वही बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग भी रितौरबा को वापस वेल कट कटर से आप लोग वापस ला सकते हैं। अगर आप लोग जितना रितौरबा का फैन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग को शेयर करो और लाइक करो कमेंट कर दो, उसके बाद मैं इंडियन आइडल जज लोग को मैं वही बोलूँगा जितना हो सके आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। उसके बाद मेरा तरफ से तो मतलब रितौरबा इंडिया आइडल में सीजन 13 में वापस होना है, आप लोग प्लीज़ वेल कट एंट्री का कारण प्लीज़ इंडियन जज आप लोग प्लीज़ लेके आइए, और मैं आप लोग ये इंडियन जज को मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो का दौरान ना, तो गाइस आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इतना ये अच्छा बंडे को इसे कैसे एलिवेट, क्योंकि ऐसे तो ना रितौरबा के पास बहुत क्वालिटी है ना, आप लोग भी पता है हर कोई पता क्वालिटी है उसका, बट मतलब एक ऐसे ना बहुत उसका ये आवाज़ जो, क्योंकि आजकल ऐसे होता है रात में भी उसका मतलब गाना जो बज रहा होता है माइंड में ऐसे होता है, तो ऐसे बोला ये बल बंडा को प्लीज़ वेल कट कटरों से इंडियन रिजर्व को मैं वही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लेके आइए नेहा कक्कर जी और हिमेश रेशमी और विशाल जी, आप लोग प्लीज़ वेल कट ये करके प्लीज़ ये को रितौरबा जी को वापस लेके आइए, उसका गाना फिर सुनना है इंडियन सीजन 13 में। हाँ, विनर कौन होगा वो पता नहीं, प्लीज़ आप लोग इस बार प्लीज़ लेके आइए
ये सिंटेक्स में वेलकम का इस्तेमाल करके प्लीज़ रितेश भाई को लेके आए। और गाइस आप लोगों को मैं बस यही बताने के लिए ये क्या ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अपना बंडे को सपोर्ट नहीं करते, किसको सपोर्ट करें, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गाइस आप लोग भी सपोर्ट करो, जितना जो रितेश भाई को सपोर्ट करते प्लीज़ वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोग जितना शेयर करेगा ना, उसी तरह जो वेल कट का थ्रो से वापस आएगा डेफिनेटली, इसका हम 101% हम गारंटी देते हैं। क्योंकि यह सर सीजन 12 में जैसे वो निकेतन ये को उसको वापस ला सकते हैं, तो उसका फैन लुक का देखो, उसका फैन लुक उसको वापस ऐसे करके तो ला सकते हैं। तो इस बार हम लोग अपना रितेश भाई को इंडियन आइडल सीजन 13 में हम लोग ला के दिखाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड कट ट्रो से ला सकता है गैस में, वही आप लोग बताने के लिए वर्ल्ड कट क्या चीज़ है आप लोग उसे बताने के लिए, डिटेल थोड़ा हाईलाइट बताने के लिए प्लीज़ ये वीडियो हम बनाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और इंडियन आइडल में पहुँचा देना उसका। बट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गैस, आप लोग का प्यार है ना, अगर हम पॉसिबल होने से फिर से हम वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, मैं एक प्यासा तू नींद बन जा सो।